Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Xiaomi 14 series जो हाल ही में लॉन्च हुई है, fast refresh rate, LTPO OLED display, Snapdragon 8 Gen 3 flagship processor, infinity variable aperture camera setup, superb in design, fast charging and many more. दोस्तों आज मैं Xiaomi 14 और 14 Pro का unboxing और first impression बताने वाला हूँ, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नो अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और एक लगी हुई देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के होल करिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये है Xiaomi 14 Pro का ब्लैक कलर में बॉक्स। बॉक्स के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और बॉक्स के लिड को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स कंटेंट देखे तो 120 वोल्ट का पावर एडाप्टर मिल जाता है, जो टाइप ए के आउटपुट के साथ आता है, और टाइप सी टू ए केबल मिल जाएगा, जो ऑरेंज एक्सेंट के साथ आता है। बाकी सिम टूल और ब्लैक कलर में प्रोटेक्टिव केस मिल जाएगा। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है। वहीं Xiaomi 14 का बॉक्स देखे तो व्हाइट कलर में मिल जाता है। यहाँ पे बॉक्स में 90 वोल्ट का पावर एडाप्टर मिलेगा और टाइप सी टू ए केबल मिल जाएगा। ब्लैक कलर में प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है। तो सबसे पहले स्मॉल स्क्रीन फ्लेक्सी फोन यानी Xiaomi 14 को देखते हैं। तो सबसे पहले नजर बेजल्स पे ही जाती है। Xiaomi 14 में बहुत ही पतली बेजल्स मिल जाती है। आप यहाँ पे iPhone 15 Pro के साथ कंपैरिजन भी देख सकते हैं, और पतली बेजल्स से फोन का लुक काफी हाई एंड लगता है। Xiaomi 14 में फ्रेम मेटल की मिल जाती है, जो ग्लोसी फिनिश के साथ आती है। फ्रंट से देखे तो फ्रेम काफी गुड लुकिंग एंड एडवांस देखने को मिलती है। वहीं Xiaomi 14 Pro का फ्रंट देखे तो काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है और माइक्रो कर्व्ड ग्लास मिलता है, और इस जनरेशन का आर एंगल लुक काफी कंफर्टेबल लगता है, और ग्लास एज फोन में स्लाइडिंग इफेक्ट काफी अच्छी देखने को मिलती है। राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करने पे फील काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन इस बार Xiaomi 14 Pro में सेल्फ डेवलप्ड ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ड्रॉप रेजिस्टेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं Xiaomi 14 सीरीज में इस बार स्क्रीन क्वालिटी कैसी मिलती है। Xiaomi 14 में 6.36 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है। रिजोल्यूशन 1200x2670 पिक्सल्स का मिलता है और रिफ्रेश रेट 1Hz to 120Hz LTPO मिलती है। यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी में भी इंप्रूवमेंट मिल जाता है। वहीं Xiaomi 14 Pro में 6.73 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है। रिजोल्यूशन 1440 पिक्सल्स बाई 3200 पिक्सल्स का मिलता है। रिफ्रेश रेट 1Hz to 120Hz LTPO मिलती है। बाकी के स्क्रीन स्पेक्स तो कंसिस्टेंट मिल जाते हैं। स्क्रीन में C8 ल्यूमिनिसेंट मटेरियल का भी यूज हुआ है। डिस्प्ले में मैनुअल ब्राइटनेस 715 nits तक मिल जाती है और पीक ब्राइटनेस 3000 nits तक मिलेगी। 120Hz की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है। दोनों फोन्स की स्क्रीन में 12 बीट कलर डेप्थ मिल जाती है। प्राइमरी कलर मोड 98.6% तक कलर गमूट मिलेगा। तो एवरेज डेल्टा ई ऑफ द sRGB कलर गमूट 0.24 तक मिल जाता है। ब्राइट मोड पे स्विच करने पे कलर एक्यूरेसी 0.29 तक मिल जाती है। तो इस फोन में सुपर कलर एक्यूरेसी मिलने वाली है। इतना ही नहीं, स्क्रीन में DC डिमिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी 1920Hz का PWM डिमिंग फीचर भी मिल जाता है। नेटिव ब्लू लाइट डिजाइन मिल जाती है। तो डिस्प्ले में ओवरऑल आई प्रोटेक्शन भी काफी अच्छा मिलता है। फोन में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, यानी इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, और फोन में हीट डिसिपेशन के लिए एन्युलर कोल्ड पंप भी मिल जाता है। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी Xiaomi 14 का परफॉर्मेंस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। फोन में बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Xiaomi 14 में 4610mAh की बैटरी मिल जाती है और 90 वोल्ट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। वहीं Xiaomi 14 Pro में 4880mAh की बैटरी मिल जाती है, 120 वोल्ट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरा की। इस बार Xiaomi 14 सीरीज में कैमरा में भी अपग्रेड मिल जाता है। इनफैक्ट सरप्राइजिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो सबसे पहले सेंसर का हार्डवेयर देखते हैं। फोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलिट्री लाइट हंगर 900 कस्टम सेंसर मिलता है। सेंसर साइज 1x1.31 इंच की लार्ज मिल जाती है। साथ में ड्यूल नेटिव ISO फ्यूजन मैक्स सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी डायनेमिक रेंज लार्ज मिल जाएगी और नेटिव 14 बिट कलर डेप्थ भी मिल जाएगी। दोनों फोन्स के मेन कैमरा में अपर्चर साइज डिफरेंट मिल जाती है। Xiaomi 14 में f1.6 की फिक्स अपर्चर साइज मिल जाती है, वहीं Xiaomi 14 Pro में f1.4 की अपर्चर साइज मिल जाती है और अपर्चर वेरिएबल मिल जाता है, f1.42 से f4.0 तक मिलता है। साथ में फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो f2.0 अपर्चर के साथ आता है और 3.2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, जो 75mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के साथ आता है और 10 सेंटीमीटर मैक्रो शूटिंग को भी सपोर्ट करता है। दोनों फोन्स में टेलीफोटो कैमरा में डिफरेंस मिल जाता है। तो Xiaomi 14 में 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है और Xiaomi 14 Pro के अंदर
40 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, बाकी पोर्ट्रेट मोड तो सेम मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो 14mm इक्विवेलेंट लेंस मिल जाता है दोनों फोन्स में। 50 मेगापिक्सल का f2.2 एपेचर का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, लेकिन Xiaomi 14 Pro के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा में 5cm मैक्रो शूट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेन कैमरा के सैंपल फोटोज भी देख सकते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. अब बात करते हैं Xiaomi 14 सीरीज के सबसे बड़े चेंज की। फोन में इस बार आउट ऑफ द बॉक्स हाइपर OS मिल जाता है, सो यहाँ पे MIUI का गुडबाय हो गया है। तो यहाँ पे दोनों OS यानी MIUI और हाइपर OS में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा चेंज लॉक स्क्रीन में मिल जाता है। स्क्रीन को होल्ड करने पे स्टाइल में काफी सारी वेरायटी मिल जाएगी। इवन यहाँ पे क्लासिक लॉक स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे तीन मेजर कैटेगरी मिल जाती है, ट्रैवल, टाइम एंड वीडियो मैगजीन। क्लासिक लॉक स्क्रीन प्रीवियस लॉक स्क्रीन जैसी ही मिल जाएगी, लेकिन फ्रंट के सिलेक्शन में काफी सारे विजेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि डिजिटल टाइम मिल जाता है, जहाँ पे डिफरेंट कलर के फोन्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे डिजिटल मैगजीन का लुक देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम भी पिक्चर में इंटीग्रेटेड मिल जाता है। इट ऑल्सो लुक्स गुड लुकिंग एंड प्रीमियम। और इसी क्लॉक को आप लॉक स्क्रीन में भी देख सकते हैं, तो इस इफेक्ट का ट्रांजिशन काफी अच्छा एंड आई कैचिंग लगता है। और इस बार हाइपर OS में फ्लुएंसी भी काफी अच्छी मिल जाती है। इस बार ऐप ओपनिंग काफी हैंडी एंड स्मूथ मिल जाता है, और डेली यूज में फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे डिवाइस के साथ इंटीग्रेशन भी काफी अच्छा मिल जाता है, यानी क्रॉस डिवाइस इंटीग्रेशन काफी अच्छा किया है। Xiaomi 14 सीरीज की प्राइस की बात करें, यानी Xiaomi 14 की प्राइस चाइना में 3999 से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 45,600 तक होती है। और Xiaomi 14 Pro की प्राइस चाइना में 4,999 से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 57,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो Xiaomi 14 सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज परफॉर्मेंस है। डिस्प्ले भी काफी बैलेंस मिल जाती है, फोन में पावरफुल कैमरा मिल जाता है, और 14 Pro में फुल बॉडी कर्व्ड स्क्रीन मिल जाती है। डेली यूज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं Xiaomi 14 सीरीज के बारे में? कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि सबसे पहले 1 मिनट में अनबॉक्सिंग वहीं पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।
हैंड एंड कीप स्माइलिंग।